एक्सपीरियंस और यूथ सारा मिलके खेल रहा है. शायद भाई का एक्सपीरियंस, आमिर की तेज़ बॉलिंग, शिनबारी की बॉलिंग, जिसका मिल्स की बॉलिंग, मतलब सारा कुछ मिल के ही चल रहा है. कोरिया हैं जो ओवरसीज़ है, वो बहुत ज़बरदस्त हिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं. सो आई थिंक अभी भी काफ़ी ज़्यादा एरर्स हैं जो हमें रेक्टिफाई करने हैं. स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी है और ये एक टीम के मोरल के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है. स्टार्ट बहुत ज़रूरी होता है T20 में, क्योंकि मोमेंटम चाहिए होता है जो टीम को मिल गया. इसी तरह का टीम स्पिरिट रहा था, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आए. T20 की बेस जो होती है स्पेशली बैटिंग की, वो ओपनर सेट सेट करते हैं. और मेरा और जॉ का एक ही टारगेट है कि एक अच्छी सॉलिड बेस दें. अल्लाह का शुक्र है मौका मिला, खेल रहा हूँ और टीम के लिए खेल रहा हूँ. जो रोल दिया जा रहा है, जो कोच मैनेजमेंट जो रोल देने का काम, उसको कोशिश कर रहा हूँ उतरूँ. तो एक अच्छे ओपनर की यही बात होती है कि टीम को अच्छा बेस दे, जो मेरी और जॉ की कोशिश रही है और आगे भी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा टीम को सॉलिड स्टार्ट दें. हम लोग आपस में मशवरा करके जिसको भी बॉलिंग करानी है, जिसको भी बैटिंग करनी है. तो आई थिंक मिकी और शाहिद भाई और जिस तरह और भी सारा राशिद भाई, जैसे टीम बॉन्डिंग बनी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है. इमाद एज ए कैप्टन जिस तरह टीम को लीड कर रहा है, स्पेशली शाहिद भाई जिस तरह, और रवि गोपारा हो गया, इंद्रम हो गया, जो हो गया, सारे जिस तरह कर रहे हैं, आमिर बाबर, मतलब हम सारे जिस तरह उसके साथ चल रहे हैं और दिमाग जिस तरह सबसे मशवरे करता है, तो एक अच्छा साइन है कि सबको ले के चल रहा है. और एक अच्छे कैप्टन की ये निशानियों में से एक निशानी होती है कि लड़के से परफॉर्म कप्तान और कोच करवाते हैं. तो जिस तरह वो फ्रंट पर आके लीड कर रहा है टीम को, अब जर्मनी के खिलाफ उसने फिनिशिंग जिस तरह शॉट मारा, उससे पहले बॉलिंग में मकॉलम को आउट किया, एक क्रूशल पार्टनरशिप उसने ब्रेक की, अपनी बॉल आया, प्रेशर टाइम था, 6 ओवर में 70 रन लगे हुए थे, उसने मकॉलम को आउट किया, सडनली मैच चेंज हो गया. तो शाहिद भाई जिस तरह अपना इनपुट डाल रहे हैं, वो फील्डिंग में कप्तान को गाइडनेस के हवाले से, या बॉलिंग में जिस तरह वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और जिस तरह उनका वो कैच था, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का बेहतरीन कैचों में से एक कैच है. वो जहाँ भी खेलते हैं उनको दुनिया देखने आती है, और जितना करम उन पर अल्लाह का, आई थिंक ये किसी बहुत खास लोगों पर होता है. और शारजा हमेशा जब भी मैंने देखा है कि लाला के लिए बड़ा लकी रहा, और लाला ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, और उम्मीद है कि कराची किंग्स के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह. लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े नाम थे, मगर मेरे नज़रिए में या मेरी एक सोच में इस साल की टीम ज़्यादा बेहतर मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब इंडिविजुअली कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो टीम में पुट ऑन करूँ जिससे टीम जीते. और एक अच्छा टीम में जो माहौल चल रहा है, स्पेशली आप देख रहे होंगे कराची के बारे में एक चीज़ बड़ी PSL में सर्वे कर रही है कि हम बहुत जल्दी जेल हो गए हैं. इसकी सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, जो हमारे प्रोज हैं वो ऑलरेडी बिग बैश और दूसरी लीगों से खेलते आ रहे थे, और हम लोग भी ऑलरेडी 2 से 3 टूर्नामेंट खेल रहे थे डोमेस्टिक में. तो जब वो खेलता है, वो प्लेयर एक साथ जब आके खेलता है, मुश्किल से 3 से 4 दिन का गैप था PSL में आने से पहले, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है. क्योंकि आप एक रेस्ट करके आते हो और एक खेलते हुए आते हो, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है. जब हमने खेला फिर साथ एक प्रैक्टिस मैच खेला, तो हमें फ़र्क फील नहीं हुआ कि वो प्रोज हैं और हम लोकल प्लेयर्स हैं. एक टीम होकर खेले और बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, स्पेशली अगेंस्ट कोयटा की टीम के अगेंस्ट जिस तरह हमारी पूरी टीम ने परफॉर्म किया और जीते. तो एक अच्छी सॉलिड बेस दी जो अल्लाह ने मदद की. सारे लड़के जान मार रहे हैं, मिलके खेल रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी टीम के लिए. और कराची टीम में है ही, अल्लाह का शुक्र है कि सीनियर जूनियर जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को लेके चल रहे हैं. ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी टीम में, स्पेशली T20 में, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, और उसके लिए इस तरह का मोमेंटम अगर किसी टीम को मिल जाए तो आई थिंक ये ब्लेसिंग होती है अल्लाह की. फैंस के लिए यही पैगाम है कि दुआ करें, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से ही हम लोग जीत रहे हैं. हर टीम चाहती है कि वो जीते, और हर बंदे का कॉन्फिडेंस होता है, उम्मीदें होती है कि मैच जीते, और हमारी कोशिश यही होगी जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि T20 में मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए. अगर मोमेंटम टूट जाए तो उसमें कमबैक करना मुश्किल होता है. T20 एक शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है. तो जितनी कोशिश होगी हमारी कि इस मोमेंटम को बरकरार रखें, क्योंकि T20 जो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, अगर ये रहा तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. हर बंदा अपनी चीज़ें पुट ऑन कर रहा है, वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, हर बंदा जो बेंच पे है, जो ग्राउंड में है. तो ओवरऑल अभी तक ये कोशिश चल रही है किसी तरह टीम जीते. जिनकी सोच एक होती है उनकी मंजिल आसान हो जाती है. टीम का तब पता लगता है जब टीम हारती है. अल्लाह ना करे कि हम हारे, लेकिन अभी जीत रही है तो सारे खुश हैं, और कराची भी खुश होगा. बाकी देखें आगे क्या होता है टूर्नामेंट में. कोशिश भी है पूरी कि अच्छा टीम के लिए परफॉर्म भी करूँ, अच्छा रिजल्ट भी दूँ. एज अ मेन बॉलर मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छा परफॉर्म करके दूँ टीम. कोशिश होगी कि अच्छा करूँ इंशाल्लाह. कोशिश यही है कि 100% एफर्ट करें. टीम बहुत अच्छी है, टुगेदर जेलिंग इन हो रही है. सो आई थिंक अच्छे साइन से कराची.